हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो हमने 7 जून को सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स अभ्यर्थियों के लिए फ्री टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। यह टेस्ट सीरीज आप मंथन पीलीबंगा ऐप से प्राप्त कर सकते हैं और आपको अगर इसके बारे में और डिटेल से पता करना है तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम इस टेस्ट सीरीज का पहले टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि पूर्णांकों के समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया है, उस संक्रिया को परिभाषित किया गया है कि a इंटू बी बराबर मोड ऑफ ए बी। उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है? तत्त्मक अवयव। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें पूर्णांकों का समुच्चय और तत्समक अवयव के बारे में पता होना चाहिए। तो पूर्णांकों का समुच्चय और तत्समक अवयव इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो बना रखा है नंबर सिस्टम, उसमें मैंने सेट के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है, आप वहां से इन सेट्स को समझ सकते हैं। यहां हम देखेंगे कि जो पूर्णांक है जेड वो क्या है, उसमें किस प्रकार के एलिमेंट्स हैं, उसमें इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट हम तत्समक अवयव की बात करते हैं। तो पहले हम तत्समक अवयव की परिभाषा देख लेते हैं। तत्समक अवयव एंटी एलिमेंट, इसके लिए क्या है कि हमारे पास एक सेट होना चाहिए, एक संक्रिया है, इस संक्रिया के लिए हम तत्समक अवयव को परिभाषित करेंगे। हम मान लेते हैं कि तत्समक अवयव है वो E है। इसके लिए हमें दो कंडीशन देखनी है, एक तो ये कि E के A से संक्रिया करेंगे तो A के बराबर होनी चाहिए, इसी प्रकार से A के E से संक्रिया करेंगे तो वो भी A के बराबर होनी चाहिए, और E है वो उस सेट में होना जरूरी है। ये जो सेकंड कंडीशन है ये हमें ध्यान में रखनी है, जो फर्स्ट है वो तो अमूमन ध्यान में रख लेते हैं, सेकंड कंडीशन में हम मिस्टेक कर जाते हैं। हमें ध्यान में रखना है कि जो हम आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं उसका उसी सेट में होना जरूरी है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, हमें ये एक समुच्चय दिया गया है, n नेचुरल्स नंबर है और प्लस की संक्रिया। प्लस की संक्रिया के लिए तत्समक होता है वो शून्य होता है। अब यहां से पता लग गया प्लस की संक्रिया देखी, शून्य देखा और ऑप्शन पे टिक कर दिया, इसका तत्समक अवयव विद्यमान है और वो शून्य है। लेकिन यहाँ आपको सेट को भी देखना जरूरी है। नेचुरल्स नंबर है इसमें जीरो नहीं आता, नेचुरल्स नंबर एक से स्टार्ट होता है, इसका मतलब प्लस के लिए तत्समक तो विद्यमान है जीरो, लेकिन यह जीरो इस एन में नहीं है, इसका मतलब इसका तत्समक विद्यमान नहीं है। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी आप एलिमेंट फाइंड करें उसे एक बार जरूर चेक कर ले कि वो उस सेट में है या नहीं। ये कॉमन मिस्टेक्स रहती है स्टूडेंट्स की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ ई क्या है, हमारे लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब ये जो E है वो कैसा तत्समक है, वो लेफ्ट तत्समक है, और यहाँ E है वो राइट साइड में है, इसका मतलब ये जो तत्समक है वो कैसा तत्समक है, वो राइट तत्समक है। ये लेफ्ट तत्समक और ये राइट तत्समक, यानी तत्समक अवयव विद्यमान होने के लिए लेफ्ट और राइट दोनों का विद्यमान होना जरूरी है और दोनों का बराबर होना भी जरूरी है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन में संक्रिया क्या दी गई है कि ए क्रॉस बी, इसका कितना मान दिया गया है, मोड ऑफ ए और इनटू में बी। तो पहले हम लेफ्ट तत्समक को देखते हैं, जो लेफ्ट तत्समक है उसके लिए हमें क्या चेक करना है कि ई की संक्रिया ए से की तो वो क्या प्राप्त होना चाहिए, ए प्राप्त होना चाहिए। तो पहले एलिमेंट का मोड यानी ई का मोड ए बराबर में ए, तो यहां से ई का मान कितना आया, ए अपॉन ए, यानी कितना हो गया एक। और जब भी हम मोड का निशान हटाते हैं तो
तो कौन सा चिन्ह आता है? प्लस माइनस दोनों साथ में आते हैं, तो E बराबर कितना है? प्लस माइनस का वन। अब तत्समक हमें प्राप्त हो गया एक प्लस का वन और एक माइनस का वन। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये एलिमेंट्स हैं, ये इस हमारे दिए गए सेट में है। प्लस का वन पूर्णांकों के समुच्चय में है, माइनस का वन भी पूर्णांकों के समुच्चय में होता है, यानी ये जो लेफ्ट तत्समक है वो विद्यमान है और इसकी संख्या क्या है? प्लस का वन और माइनस का वन, इनकी संख्या दो है। नेक्स्ट हम राइट तत्समक की बात करें, तो राइट तत्समक के लिए हमें क्या चेक करना है कि ए बराबर ए स्टार ई। इस पे हमने संकीर्या अप्लाई करेंगे, तो पहली संख्या का मोड, दूसरी वैसी की वैसी। ई का मान यहां से हमने फाइंड किया तो ये कितना आ गया? ए अपॉन मोड ऑफ ए, यानी ई का मान किस पर डिपेंड कर रहा है? ई का मान ए पे डिपेंड कर रहा है। ए का मान पॉजिटिव तो ई का मान वन, ए का मान नेगेटिव तो ई का मान कितना आएगा? नेगेटिव। यानी ई का मान ए पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ई है वो विद्यमान नहीं है ए पे डिपेंड करने के कारण। तो यहाँ इसका राइट तत्समक विद्यमान नहीं है। लेफ्ट तो विद्यमान है लेकिन राइट विद्यमान नहीं है। तत्समक अवयव की परिभाषा भी यही है कि लेफ्ट तत्समक और राइट तत्समक दोनों विद्यमान होने चाहिए और बराबर होने चाहिए। इस कंडीशन में लेफ्ट तो विद्यमान है लेकिन राइट विद्यमान नहीं है, इसका मतलब इसका तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। अब इस क्वेश्चन में हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे तत्समक अवयव की। जब भी हम स्टडी करते हैं हम देखते हैं कि तत्समक अवयव क्या होता है? अद्वितीय होता है, यूनिकनेस होती है। यानी अगर तत्समक अवयव विद्यमान होता है तो उसकी संख्या कितनी होती है? एक होती है। यहाँ से आप एक रिजल्ट देखिए कि जब लेफ्ट तत्समक अकेला विद्यमान है, राइट विद्यमान नहीं है, तब तक लेफ्ट तत्समक की संख्या कितनी प्राप्त हो रही है? हमें दो प्राप्त हो रही है। यानी वाम तत्समक या दक्षिण तत्समक की संख्या है वो एक से अधिक हो सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। आजकल क्या है, ग्रुप के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है ग्रुप थ्योरी के अंदर कि स्टेटमेंट्स वाले काफी क्वेश्चंस आते हैं। वहां क्वेश्चन ऐसे आया कि वाम तत्समक की संख्या एक से अधिक होती है, लेकिन हमने पढ़ रखा होता है कि तत्समक अद्वितीय होता है, ये तो गलत, हम सोचते हैं ये तो गलत है, अद्वितीय यानी कि एक होता है, तो हम उस स्टेटमेंट को गलत कर देते हैं। पर ऐसा नहीं है, आपको अच्छे से इसकी प्रॉपर्टी को देखना है। यहाँ आप देखिए कि लेफ्ट तत्समक की संख्या एक से अधिक हो सकती है। इसी प्रकार से आप राइट के लिए भी देख सकते हैं, राइट में भी राइट की संख्या है वो एक से अधिक हो सकती है, लेकिन अगर दोनों विद्यमान है और बराबर है उस कंडीशन में इनकी संख्या एक होगी, एक से अधिक नहीं होगी, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तत्समक अवयव विद्यमान तो वो क्या होता है? अद्वितीय होता है। लेफ्ट या राइट इनकी संख्या एक से अधिक हो सकती है, पर ध्यान रखना जब तत्समक विद्यमान है उस कंडीशन में इनकी संख्या एक होगी और वो यूनिकनेस में रहेगी, आपको ये बराबर होगी और अद्वितीय होगी। इसके अंदर ये प्रॉपर्टी आप विशेष ध्यान रखना। इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं कि यदि हमें इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए, ये दोनों ही जेड को बिलोंग करते हैं, तो इस प्रकार की संकीर्या के लिए भी आप लेफ्ट और राइट तत्समक फाइंड कीजिए, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से समूह है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको समूह पता होना चाहिए कि समूह की परिभाषा क्या होती है। ग्रुप को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक सेट होना चाहिए और साथ में एक संकीर्या होनी चाहिए। इन दोनों का पूरी ग्रुप थ्योरी के अंदर विशेष महत्व है, एक सेट और उस सेट पर परिभाषित संकीर्या। यहाँ ग्रुप को डिफाइन करने के लिए जो ये जी है ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी जी के अंदर कम से कम एक अवयव होना जरूरी है। यहां से भी एक स्टेटमेंट निकल के आता है कि कोई रिक्त समुच्चय है क्या वो ग्रुप बनाता है?
तो रिक्त समुच्चय ग्रुप नहीं बनाता। ग्रुप की डेफिनेशन ही यही कहती है कि वो सेट होना, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, वो रिक्त नहीं होना चाहिए। तो रिक्त समुच्चय कभी भी ग्रुप नहीं बनाता। ग्रुप के लिए कम से कम समुच्चय में एक अवयव का होना जरूरी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि समूह के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी जरूरी है। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब संवृत, सिंपल सी है। क्लोज के लिए हमें क्या है कि हमें दो एलिमेंट उस सेट में से लेने हैं और वो संक्रिया उन दोनों एलिमेंट्स पे अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो उसी सेट में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि जो दिया गया समुच्चय है वो उस संक्रिया के सापेक्ष क्लोज्ड है। तो हमने दो एलिमेंट उस पे संक्रिया अप्लाई की, वो भी उसी सेट में होना जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्यता प्रॉपर्टी। साहचर्य प्रॉपर्टी में हम तीन एलिमेंट्स लेते हैं और इनके लिए ये संक्रिया सेटिस्फाई होनी जरूरी है। पहले बी स्टार सी पर संक्रिया अप्लाई की, जो रिजल्ट आया उस पे ए पे संक्रिया के साथ अप्लाई की। यहां पहले ए बी पर अप्लाई किया फिर हम सी पे अप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट दोनों बराबर आते हैं। तो इसका मतलब वो जो संक्रिया है वो एसोसिएटिव है उस सेट के लिए। थर्ड हम देखते हैं आइडेंटिटी यानी तत्समकता। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के बारे में हम अपने पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि इसमें क्या होता है कि इसका जो लेफ्ट तत्समक है वो क्या है, राइट तत्समक के बराबर होना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी, साथ में हमें विशेष ध्यान रखना है कि ये ई है उस सेट में होना जरूरी है। ये होगी हमारी तत्समकता की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतिलोमता यानी कि इनवर्स प्रॉपर्टी। यहां हम इनवर्स की प्रॉपर्टी चेक करेंगे। इनवर्स की प्रॉपर्टी के लिए क्या है कि उस समुच्चय में प्रत्येक एलिमेंट का, ध्यान रखना प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स है उसी समुच्चय में विद्यमान होना जरूरी है। तो इनवर्स प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है कि हम बी एलिमेंट ले लेते हैं जो क्या है, ए का इनवर्स है, और इस बी का उस समुच्चय में होना जरूरी है। यदि ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, बी स्टार ए बराबर ई, ए बराबर ए स्टार बी, ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि इस ए का प्रतिलोम क्या है, यह बी है, ए का इनवर्स है वो बी एलिमेंट है। यहाँ बी क्या है, लेफ्ट साइड में है तो ये इसका लेफ्ट प्रतिलोम हो गया, और यहाँ बी इस तरफ क्या है, राइट साइड में है तो ये इसका क्या हो गया, राइट इनवर्स हो गया यानी कि राइट प्रतिलोम हो गया। तो यहां भी वही कि लेफ्ट और राइट अगर विद्यमान है और दोनों बराबर है तभी हम कहते हैं कि उस एलिमेंट का प्रतिलोम विद्यमान होता है, और यहाँ प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम विद्यमान नहीं होता। इसी में आप लोग ये विचार करना जो हमने पहले बात की थी कि लेफ्ट तत्समक है राइट तत्समक है वो एक से अधिक हो सकते हैं, तो क्या लेफ्ट प्रतिलोम और राइट प्रतिलोम एक से अधिक हो सकते हैं? इस पे आप लोग विचार कीजिए, अपने इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है उस कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारा दिया गया जो समुच्चय है वो क्या है, समूह बनाता है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इन प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो संक्रिया दी गई है वो संक्रिया हमें क्या है, गुणन की संक्रिया दी गई है। तो गुणन की संक्रिया दी गई है तो समुच्चय क्या है हमारे पास, जेड है, यू है और आर है, और इनमें संक्रिया हमें कौन सी दी गई है, इनटू की संक्रिया, गुणन की संक्रिया दी गई है।
तो जो हमारी पहली कंडीशन है कि जो हमारा सेट है वो कैसा होना चाहिए, वो नॉन एम्प्टी यानी कि वो रिक्त नहीं होना चाहिए। तो हमें पता है पूर्णांकों का समुच्चय परिमेय संख्याओं का रियल नंबर्स का, ये सब लोग ये कैसे हैं, ये नॉन एम्प्टी है यानी इनमें एलिमेंट्स है, कम से कम एक अवयव तो इनके अंदर है। तो जो पहला है जो स्टार्टिंग है इसका वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नेक्स्ट हम क्लोज प्रॉपर्टी की बात करेंगे, इनको भी मैंने अपने नंबर सिस्टम में अच्छी तरह से समझा रखा है, आप लोग वहां से वीडियो आप जरूर देखना। हमें पता है कि अगर हम दो पूर्णांक संख्याओं का गुना करेंगे तो एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, यदि दो परिमेय संख्याओं का गुना करेंगे एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, दो वास्तविक संख्याओं का गुना करेंगे तो एक वास्तविक संख्या हमें प्राप्त होगी, यानी कि क्लोज प्रॉपर्टी है वो इन तीनों के लिए ही सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं इसके बाद एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। हालांकि हम इसके बारे में डिटेल से अलग से वीडियो में देखेंगे, या आपको इतना ध्यान में रखना है कि गुणन की संक्रिया होती है वो एसोसिएटिव होती है। तो इस गुणन की संक्रिया हमें दी गई है तो ये जेड में भी क्यू में भी और आर में भी क्या है, एसोसिएटिविटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिटी की यानी तत्समकता की हम बात करते हैं। यदि हम आइडेंटिटी की तत्समकता की बात करें, जिस प्रकार से हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि योग संक्रिया के लिए तत्समक क्या होता है, शून्य होता है, इसी प्रकार से गुणन की संक्रिया के लिए तत्समक क्या होता है, एक होता है। अब तत्समक तो एक प्राप्त हो गया गुणन की संक्रिया के लिए, पर यहां हमें चेक करना है कि क्या एक है वो इस जेड क्यू आर में है या नहीं। तो हमें पता है कि वन है वो जेड को भी बिलोंग करता है, वन है वो क्यू को भी बिलोंग करता है, वन है वो आर को भी बिलोंग करता है, इसका मतलब तत्समक की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। यहां जो हमें क्वेश्चन दिया गया था उनमें हमें तीन सेट दिए गए थे, इन तीनों में क्लोज की प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी, ये तीनों ही सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ये तीन प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे इनवर्स की प्रॉपर्टी। प्रतिलोम विद्यमान है या नहीं, तो प्रतिलोम के लिए भी आप एक बार यहां देख लीजिए, जैसे आइडेंटिटी इसका एक होता है गुणन की संक्रिया के लिए, तो गुणन की अगर हम संक्रिया की बात करें उसमें ए का प्रतिलोम वन अपॉन ए होता है, और अगर हम योग संक्रिया की बात करें उस कंडीशन में ए का योग संक्रिया के लिए ए का जो प्रतिलोम होता है वो होता है माइनस का ए। ये कुछ रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं, हालांकि हम इसको डिटेल से देखेंगे अलग से वीडियो में। तो यहां आपको ध्यान में रखने गुणन के लिए वन अपॉन ए और योग के लिए माइनस एक। तो इस क्वेश्चन में हमें संक्रिया दी गई है वो दी गई है हमें गुणन के लिए, तो गुणन के लिए हमें चेक करना है। तो गुणन के लिए अगर हम चेक करें तो हम कोई भी एग्जाम्पल ले ली, जैसे कि हमने दो एक ले लिया, कोई संख्या हमने दो ले ली। अब इस दो का अगर हम प्रतिलोम की बात करें, इस दो का गुणन प्रतिलोम क्या होता है, वन अपॉन टू होता है। हम चेक करेंगे कि क्या ये जो एलिमेंट्स हैं वो इन सेट में है या नहीं। तो वन अपॉन टू है, हमें पता है कि वन अपॉन टू है वो पूर्णांक नहीं होता, इसका मतलब कि जो जेड समुच्चय है वहां प्रतिलोम प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। हम नेक्स्ट बात करते हैं क्यू के लिए। यदि हम क्यू की बात करें तो हमें पता है कि एक बटा दो क्या है, वो क्यू को बिलोंग करता है, एक बटा दो है वो आर को बिलोंग करता है,
इस प्रकार से आप कोई और एलिमेंट ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, इनका प्रतिलोम 1/5, 1/7, ये सब Q और R में विद्यमान होते हैं। पर आपको एक टिप देना चाहूंगी कि जब भी आप एक इसके अंदर ग्रुप थ्योरी के अंदर जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें और समुच्चय हमें दिया जाए और उस समुच्चय में शून्य अगर हमें दिया जाए तो आप वो प्रॉपर्टी डेफिनेटली शून्य पे तो चेक करनी ही करनी है कि शून्य है वो क्वेश्चन में बहुत अलग डिफर कर देता है क्वेश्चन को। तो यहां अगर हम शून्य पे चेक करें, वैसे तो पता लग रहा है हमें एलिमेंट से प्रतिलोम विद्यमान हो रहा है। यदि मैं जीरो का प्रतिलोम देखूं, जीरो का प्रतिलोम क्या बनेगा, जो गुणन प्रतिलोम की मैं बात कर रही हूं तो 1/0, 1/0 यानी कि इनफाइनाइट, यानी जीरो का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। और जो हमारी इनवर्स प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि प्रत्येक एलिमेंट का जो हमें समुच्चय दिया गया है उसमें प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम विद्यमान होना जरूरी है। यदि ऐसा कोई भी एलिमेंट प्राप्त होता है जिसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि वहां इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो प्रत्येक एलिमेंट का यानी जीरो का प्रतिलोम विद्यमान नहीं हो रहा, इसका मतलब जो क्यू है वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा और आर है वो भी प्रतिलोम की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारी ग्रुप के लिए चारों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी था, लेकिन जो इस क्वेश्चन में है ना जेड ना क्यू और ना ही आर, ये तीनों है वो समूह की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है ना ये समूह बना रहा है, ना ये समूह, ना ये समूह। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी ये तीनों समुच्चय क्या है, ये समूह नहीं बना रहे। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन में हम आगे की तरफ देखते हैं। अब देखिए, ये तीन प्रॉपर्टी तो हमारे पास सेटिस्फाई हो रही थी। यदि मैं इसमें शून्य को बाहर कर दूं, तो यदि इसके अंदर हम शून्य को बाहर ले लें, यानी कि क्यू जीरो यदि हमें सेट दिया जाए, जेड जीरो, क्यू जीरो और आर जीरो, जेड जीरो, क्यू जीरो, आर जीरो, जेड जीरो, क्यू जीरो, इन सबको मैंने डिटेल से अपने उस नंबर सिस्टम में बता रखा है, तो आप वहां से डेफिनेटली वो वीडियो जरूर देखना। जेड जीरो का मतलब वो पूर्ण जीरो को छोड़कर सारे के सारे पूर्णांक, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जेड माइनस का जीरो, क्यू जीरो को लिख सकते हैं क्यू माइनस का जीरो, यानी जीरो को छोड़कर बाकी सारी, जीरो को छोड़कर वास्तविक संख्याएं ये सब। अगर हमें ये दिया जाता समुच्चय तो हम अगर ग्रुप चेक करते तो ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, हमें फोर्थ प्रॉपर्टी ही देखनी है इनवर्स की। तो जेड जीरो की अगर हम बात करें तो जेड जीरो के लिए वही 1/2 है, वो जेड जीरो को बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब यहाँ इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी जेड जीरो है वो समूह नहीं बना रहा। लेकिन अगर हम आगे हम क्यू जीरो और आर जीरो की बात करें तो हमने देखा था कि जो क्यू है उसमें सबका इनवर्स प्राप्त हो रहा है केवल एक संख्या को छोड़कर, और वो संख्या थी शून्य, यानी शून्य को छोड़कर प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम हमें मिल रहा था क्यू में भी और आर में भी। यदि हम ऐसा समुच्चय ले जिनकी जीरो को बाहर ही कर दिया, यानी अब जीरो है इस क्यू जीरो का एलिमेंट नहीं है, आर जीरो का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब है क्यू जीरो में जीरो नहीं है, आर जीरो में जीरो नहीं है। तो जीरो नहीं है तो बाकी सब एलिमेंट का इनमें इनवर्स विद्यमान है। इसका क्या मतलब हुआ कि Q0 और R0 क्या है वो समूह बना रही है। इससे आप इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए ग्रुप जो थ्योरी वाली बुक है वो टफ नहीं है, उसको सिर्फ आपको अच्छे से समझना है, एक एक चीज की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, रट्टा तो यहाँ लगना ही नहीं है किसी भी तरीके से। तो यहाँ आपको हमने देखा था इनवर्स की प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से समझना है।
इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या है कि प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स है वो विद्यमान होना चाहिए, प्रत्येक अवयव का। तो हमने क्या किया, जेड क्यू आर में हमने ट्राई किया प्रत्येक अवयव का, तो क्यू और आर में प्रत्येक अवयव का इनवर्स मिल रहा था केवल जीरो को छोड़कर। ये जेड और क्यू और आर में सिर्फ क्या था, जीरो ही अवयव ऐसा था शून्य जो इसको क्या था, ग्रुप नहीं बना रहा था। लेकिन अगर हमने इसमें जीरो से बाहर कर दिया फिर तो क्या हो रहा था कि प्रत्येक एलिमेंट का हमें इनवर्स एलिमेंट मिल रहा है। तो जीरो को बाहर करते ही यानी क्यू जीरो और आर जीरो ये क्या है, समूह बनाते हैं। क्यू जीरो आर जीरो समूह बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को आपको अच्छे से देखना है, समूह की परिभाषा आपको अच्छे से देखनी है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है क्यों नहीं हो रही। जब भी आप क्वेश्चंस करो तो ध्यान रखना कि किन कारणों से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई। यदि हम उन कारणों को बाहर कर दें तो क्या फिर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को अच्छे से विश्लेषणात्मक तरीके से करोगे तो आपकी कंसेप्ट भी क्लियर होगी और आपको वो क्वेश्चन लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। तो इसको बारी बारी आपको ऐसे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि ये होगा तो ऐसे ग्रुप बन जाएगा, बस आपको अपनी बेसिक कंसेप्ट इसके अंदर क्लियर करनी है। तो ना जेड ना क्यू ना आर ये समूह नहीं बनाते, लेकिन क्यू जीरो आर जीरो है ये गुणन की संक्रिया के लिए समूह बनाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि एक समूह जिसमें अवयवों की संख्या क्या दी गई है, सम दी गई है। इसमें क्या कहा है, तत्समक अवयव के अतिरिक्त ऐसे अवयव की संख्या जिनका प्रतिलोम स्वयं वह अवयव है। अब ऐसे क्वेश्चन को हालांकि देखने में क्वेश्चन बहुत अलग सा लग रहा होगा, लेकिन इसमें क्या है, हमें दो प्रॉपर्टियों का ध्यान में रखना है। तत्समक अवयव की दो प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी, उसको अच्छे से हम समझेंगे और हमारा यह क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तत्समक अवयव के अतिरिक्त ऐसे अवयव की संख्या जिनका प्रतिलोम क्या होता है, स्वयं वह अवयव हो, ये हमें बताना है। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, हमें ये पता होना चाहिए कि तत्समक अवयव है, इस तत्समक अवयव का प्रतिलोम स्वयं तत्त्वक अवयव ही होता है। तत्त्वक अवयव का प्रतिलोम स्वयं वह तत्त्वक अवयव होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमें एक समूह, जैसे हमने अभी बात की थी क्यू जीरो और इनटू, हमने देखा था यह एक समूह बनाता है। इनटू की संक्रिया के लिए तत्समक क्या होता है, एक होता है, और इस अगर हम एक का प्रतिलोम ज्ञात करें, इसका प्रतिलोम भी क्या होगा, एक होगा। यानी कि तत्समक अवयव है उसका प्रतिलोम स्वयं वह खुद ही होता है जो तत्समक होता है, यानी ई का प्रतिलोम क्या होता है, ई ही होता है। तो ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान में रखनी है। सेकेंड क्या है, यदि हमें ए का प्रतिलोम, यदि ए का प्रतिलोम बी दिया गया है तो बी का प्रतिलोम क्या होगा, ए होगा। ये जोड़ों के रूप में होता है, यानी दो का प्रतिलोम अगर तीन है तो आप बता सकते हो कि तीन का प्रतिलोम क्या होगा, दो। तो यहां से भी ये क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल सा, बिल्कुल अगर बेसिक सा क्वेश्चन एग्जामिनर उठा के दे, यदि ए का प्रतिलोम बी है तो बी का प्रतिलोम क्या होगा, ए होगा। यानी ये जोड़ों के रूप में होते हैं, ए का दो है, दो का तीन है, तो तीन का दो होगा। इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है।
इन्हीं दो प्रॉपर्टी से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। पहली तो ये है कि तत्समक अवयव है उसका प्रतिलोम स्वयं वह तत्समक अवयव होता है। दूसरा, यदि स्वयं नहीं है कोई अन्य अवयव है तो वो जोड़ों के रूप में होगा। ए का प्रतिलोम बी है तो बी का प्रतिलोम क्या होगा, ए होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम ये क्वेश्चन को देखते हैं कि एक समूह जिसमें अवयव की संख्या सम हो, तो सम दी गई है। इस क्वेश्चन को आप एग्जांपल से कर लीजिए। सम है तो हम कुछ मान लेते हैं, जैसे हमें मान लेते हैं कि हमें एक ग्रुप जी दिया गया है। इस ग्रुप जी में हम मान लेते हैं कि अवयव की संख्या कितनी है, 10 है। अवयव कितने हैं इसके अंदर, 10। तो 10 अवयव है। इस 10 अवयव में क्या होंगे, प्रतिलोम की बात करें तो कुछ ऐसे अवयव होंगे जिनका प्रतिलोम वह स्वयं है, और कुछ ऐसे अवयव होंगे जिनमें ए का प्रतिलोम बी है तो बी का प्रतिलोम क्या होगा, एक होगा। तो हम 10 में से 1 और 9, यानी जो 1 है वो तो हमारा क्या है, तत्समक है। जो 1 है वो तो हमारा तत्समक है, यानी जो तत्समक है इसका प्रतिलोम स्वयं वह तत्समक अवयव होता है। और जो 9 एलिमेंट्स है इनके बारे में हमें नहीं पता। अब जो ये 9 एलिमेंट्स है, इन 9 एलिमेंट में से क्या हो सकता है कि या तो इनका स्वयं का प्रतिलोम हो, कुछ एलिमेंट ऐसे हो जिनका प्रतिलोम वह स्वयं अवयव हो, या फिर क्या हो, जोड़ों के रूप में हो, ये हमें नहीं पता। तो यहां भी हम कंडीशन लेकर चलेंगे। कंडीशन की अगर हम बात करें तो 9 एलिमेंट्स में से हम जो हमें 9 अवयव है, इन 9 अवयव में से अगर हम बात करें तो 9 अवयव में हम मान के चलते हैं कि हमें इस प्रकार से है कि 4 अवयव ऐसे हैं जो क्या है, एक दूसरे के प्रतिलोम है। क्योंकि जो प्रतिलोम होते हैं वो जोड़ों के रूप में होते हैं, यानी कि वो हमेशा सम संख्या रहेगी, 4, 6, 8, 10, 12। तो 4 अवयव हमने मान लिया जो एक दूसरे के प्रतिलोम है, तो इसके पीछे कितने बच गए, 5। तो ये 5 क्या होंगे, जो स्वयं एक दूसरे के प्रतिलोम है, ये स्वयं के प्रतिलोम है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। हमने 4 माना है, आप कुछ और संख्या मान लीजिए, 6 अवयव मान लेते हैं। यहां ध्यान में रखना जो एक दूसरे के प्रतिलोम है वो जोड़ों के रूप में होंगे, यानी कि वो सम संख्या होगी। ऐसा नहीं है कि आप 3 मान लो, एक दूसरे के जो प्रतिलोम है उनको जोड़ों के रूप में, यानी कि हमने 6 मान लिया तो पीछे कितने बच गए, 3, जो क्या है, स्वयं के प्रतिलोम है। यदि हम 8 अवयव ऐसा लें, 8 अवयव ऐसे ले जो क्या है, एक दूसरे के प्रतिलोम है, तो पीछे क्या बच गया, 1, जो स्वयं के प्रतिलोम है। यदि मैं इसके अंदर 2 अवयव ले लूं, यानी ऐसे सिर्फ 2 ही अवयव है जो एक दूसरे के क्या है, प्रतिलोम है, तो पीछे कितने बच गए, 7, जो क्या है, स्वयं के प्रतिलोम है। तो यहां से आप जो स्वयं के प्रतिलोम है उनकी आप संख्या देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, 1, 3, 5, 7, और ये संख्याएं कैसी हैं, ये संख्याएं हैं विषम। एक, तीन, पांच, सात संख्याएं विषम। तो यानी कि स्वयं के प्रतिलोम ऐसे वो क्या हो सकते हैं, उनकी संख्या विषम रहेगी। हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, दोबारा से उसको अच्छे से देखते हैं कि वह समूह जिसमें अवयव की संख्या सम थी, सम है, उसमें तत्समक के अलावा ऐसे अवयव की संख्या जिनका प्रतिलोम स्वयं वह है उनकी हमें संख्या बतानी है। तत्समक के अलावा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, तत्समक के अलावा। तो हमने एग्जाम्पल लेके चले 10 का, उसमें से तत्समक हमने पहले से ही अलग कर दिया,
पीछे से हमने 9 एलिमेंट में देखा कि ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिनके प्रतिलोम स्वयं वह होते हैं, तो हमने देखा वो हमारे पास क्या प्राप्त हो रही है, एक विषम संख्या प्राप्त हो रही है। तो इनका आंसर हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड नंबर यानी कि विषम हो गया। इस क्वेश्चन को हमने सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी से, एक तत्समक अवयव की प्रॉपर्टी से, एक ए का प्रतिलोम बी तो बी का प्रतिलोम ए, इस प्रॉपर्टी से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। अब ये क्वेश्चन है, अगर इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो क्या बन सकता है कि यहां हमें अवयव की संख्या अगर विषम दे दी जाए और सेम यही क्वेश्चन रहे कि ऐसे अवयव की संख्या जिनका प्रतिलोम स्वयं वह अवयव हो, तो क्या आंसर आएगा, इस पे आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। इस क्वेश्चन का आंसर है विषम, बस सिर्फ इन दो प्रॉपर्टी से हमने इस क्वेश्चन को हल कर दिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, गुणन मॉड्यूल 40 का हमें क्वेश्चन दिया क्या है, इसके लिए हमें फाइंड करना है कि तत्समक अवयव कौन सा है। तो तत्समक अवयव की परिभाषा हम फर्स्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं, वहां से आपको समझ आ ही क्या होगा। यहाँ हम अपना क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं गुणन मॉड्यूल 40 के लिए, इंटू 40 की अगर हम बात करें, 5, 15, 25, 35 हमें ये समुच्चय दिया गया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, संकीर्या सारणी बनाएंगे। संकीर्या सारणी बनाने से पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। इसको तो हालांकि हम डिटेल से अपने अलग से वीडियो में देखेंगे, यहाँ आपको सिर्फ इतना समझना है कि इंटू 40 का क्या मतलब है। इसका यही मतलब है कि जब हम दो एलिमेंट्स पे यह संकीर्या अप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 40 के अंदर ही आना चाहिए, यानी 40 के अंदर अंदर होना, 40 से कम होना चाहिए। अगर 40 से ज्यादा हो रहा है तो हम उस संख्या में से 40 के गुणज को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम इसकी टेबल बनाते हैं, तो टेबल पांच पंद्रह पच्चीस पैंतीस, सिंपल गुना करना है। गुना करने पर संख्या 40 से अधिक आ गई, उस संख्या में से 40 के गुणज को माइनस करना है। तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 25। 5 का 15 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 75। ये 75 क्या है, 40 से ज्यादा है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 40 के गुणज को माइनस करेंगे। यहाँ सिर्फ 40 माइनस हो जाएगा तो कितना हमारे पास आ गया, इसका 35 हमारे पास आ गया, इसका मान 35। नेक्स्ट हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से। 25 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 125। अब 125 प्राप्त हो गया। अब इस 125 में से हम 40 के गुणज को माइनस करेंगे, तो 40 का गुणज लगभग 40 के गुणज को करेंगे तो 120 हमें प्राप्त होगा, क्योंकि अगला अगर हम 120 से अगला गुणज लेते हैं तो वो क्या बनेगा, 160, जो कि 125 से ज्यादा है। तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। तो यहाँ अगर हम करेंगे तो 5। इसी प्रकार से हम 5 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा 15। इस प्रकार से आप ये टेबल कंप्लीट कर सकते हैं, यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। आप इस टेबल को मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारी एक संकीर्या सारणी हमें प्राप्त हो गई।
अब इस संकीर्य सारणी में अगर हमें तत्समक अवयव को फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं इस एली, हम देखते हैं इस रो के बराबर नीचे हमें कौन सी रो मिल रही है, इस रो के बराबर हमें ये वाली रो मिल रही है और इस कॉलम के बराबर हमें कोई कॉलम मिल रहा है, इस कॉलम के बराबर हमें ये कॉलम मिल रहा है। हमने चेक करना है संकीर्य सारणी में कि जो ऊपर वाली रो है उसके सिमिलर नीचे कौन सी रो है वो हमें देखनी है, फिर हमें चेक करना है इस वाले कॉलम के इक्विवेलेंट कौन सा कॉलम है वो हमें चेक करना है। तो इस कॉलम के इक्विवेलेंट ये कॉलम है, इस रो के इक्विवेलेंट ये रो है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन हुआ वो कितना हुआ 25। तो 25 ही हमारा क्या है, तत्समक अवयव है। इस क्वेश्चन में तत्समक अवयव हमें कितना प्राप्त हुआ 25। तो ये संकीर्ण सारणी आपको समझनी है। इस क्वेश्चन में हमें 40 का मतलब पता होना चाहिए, सिंपल सा मतलब है दो एलिमेंट पे आप संकीर्ण अप्लाई करो, रिजल्ट है वो 40 के अंदर रहना चाहिए, ऊपर आया उसमें से 40 के गुणज को माइनस कर आप उसको इस टेबल में लिखते जाइए। उसके बाद रो देखिए कौन सी सिमिलर है, कॉलम देखिए कौन सा सिमिलर है, दोनों का जो भी इंटरसेक्शन हमें मिले वो हमें क्या होता है, तत्समक अवयव प्राप्त हो जाता है। तो इसमें कितना तत्समक मिल गया हमें 25। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारे सामने 25। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हमें एक समुच्चय दिया गया है, परिमेय संख्याओं के गुणन के सापेक्ष हमें चेक करना है कि वो समूह है या नहीं। तो समूह के लिए हम पहले चार प्रॉपर्टीज की बात कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इसको समझना जरूरी है कि हमें ये क्या दिया गया है, x बिलोंग्स टू q, यहाँ पर q क्या है, परिमेय संख्या है। q हमें परिमेय संख्या दी गई है और आगे हमें बाउंड किया गया है। परिमेय संख्याएं हमें कहां से कहां तक लेनी है, जीरो से एक के बीच में लेनी है, जीरो से लेकर एक। यहां आपको ध्यान में रखना है कि यहां बराबर का निशान नहीं है, यानी कि जीरो है वो इस समूह g में नहीं है, लेकिन एक के वन है वो इसके बराबर दिया गया है, यानी एक है वो इस समूह जी में है। तो अब हम अपनी प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं समूह के लिए प्रॉपर्टी। तो पहले तो क्या है कि समूह है वो कैसा होना चाहिए, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी उसमें एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है जी वो नॉन एम्प्टी है, उसमें अवयव विद्यमान है। सेकेंड प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं कि वो क्या होना चाहिए, वो क्लोज्ड होना चाहिए। तो क्लोज्ड की प्रॉपर्टी हम देखते हैं, जीरो से एक के बीच में आप परिमेय संख्या लीजिए, उनका आपस में गुना कीजिए तो हमें क्या प्राप्त होती है, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, यानी यहाँ क्लोज्ड की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट एसोसिएटिविटी की बात करें तो हमने देखा था कि जो गुणन की संक्रिया होती है वो क्या होती है, वो एसोसिएटिविटी होती है, यानी गुणन की संक्रिया में साचर्यता लागू होती है। तो इसमें ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तत्समकता की। आइडेंटिटी एलिमेंट की हम बात करते हैं, तत्समकता की बात करते हैं। हमें पता है कि गुणन की संक्रिया के लिए तत्समक क्या होता है, एक होता है, और यहाँ हमें जो भी समुच्चय दिया गया है उस समुच्चय में एक इस समुच्चय में इंक्लूड है, यानी इसका तत्समक क्या है, इस समुच्चय का विद्यमान है। यहाँ आपको विशेष, जब भी आप ग्रुप के क्वेश्चन करें तो डेफिनेटली एक चीज ध्यान में रखना कि हमें वो समुच्चय और संकीर्या दोनों पे ध्यान देना जरूरी है। यदि हम समुच्चय की बात करें तो हमें जीरो से वन समुच्चय दिया गया है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमें ये दिया जाता कि जी इस प्रकार से है,
ये हमें वन ना दिया जाता, ये हमें वन ना दिया जाता कि एक्स का मान जीरो से एक के बीच में है लेकिन वन इंक्लूड नहीं है। ये अगर हमें इसमें क्वेश्चन होता है और हमें तत्समक अवयव फाइंड करना होता है, इसका तत्समक अवयव तो क्या होता है, एक होता है लेकिन ये एक इस समुच्चय में नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो ये वाला समुच्चय है इसका हम कहते कि जो ई है वो विद्यमान, नहीं है, ई है वो विद्यमान नहीं है। आपने मेन क्वेश्चन की तरफ, मतलब आपको क्या करना है, समुच्चय और संक्रिया दोनों को ही चेक करना है। अकेले संक्रिया के आधार पर हम नहीं कह सकते और ना ही हम अकेले समुच्चय के आधार पर कह सकते हैं, दोनों को ही आपको अच्छे से कंसीडर करना है, समुच्चय को भी और संक्रिया को भी। ऐसे इस समुच्चय के लिए तत्समक विद्यमान नहीं है, हालांकि संक्रिया दोनों के लिए सेम है, लेकिन यहां अगर हम बात करें तो तत्समक इसका विद्यमान है क्योंकि एक है वो बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे जी को बिलोंग कर रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, अगली हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी इनवर्स की प्रॉपर्टी, यानी प्रतिलोमता, प्रतिलोम इनवर्स की प्रॉपर्टी हमें चेक करनी है। इनवर्स की प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे, इनवर्स के लिए हमें क्या, प्रतिलोमता इनवर्स की प्रॉपर्टी हमें देखनी है। हमें इसमें से कोई एक एलिमेंट, ध्यान रखना जीरो इस समुच्चय में नहीं है, हमें कोई एलिमेंट लेना है उसका प्रतिलोम हमें चेक करना है वो इसमें विद्यमान है या नहीं। अब जीरो से एक के बीच में आप कोई भी एलिमेंट लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि मैंने एक बटा तीन ले लिया, तो एक बटा तीन है ये जी को बिलोंग कर रहा है और गुणन की संक्रिया के सापेक्ष हम इसका प्रतिलोम, तो प्रतिलोम क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। जैसे दो है तो उसका प्रतिलोम एक बटा दो, एक बटा दो है तो उसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में एक बटा तीन का प्रतिलोम क्या होगा, तीन होगा। तो क्या तीन इसको बिलोंग कर रहा है जीरो से एक को, तो समुच्चय हमारा जीरो से एक के बीच में दिया गया है तो तीन है इस समुच्चय में नहीं है, यानी तीन इस जी को बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब जो प्रतिलोम है वो इसमें विद्यमान नहीं है। तो इस वाले प्रश्न के अंदर हमारी स्टार्टिंग की प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन जब हम इनवर्स की प्रॉपर्टी पर आए तो हमने देखा कि एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट विद्यमान नहीं है, प्रतिलोम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो ये समूह, ये जो दिया गया समुच्चय है वो समूह नहीं है। तो हमने देखा कि आज की इस वीडियो में कि जब भी हमें समूह चेक करना है तो समूह चेक करने के लिए हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को चेक करनी है, सारी की सारी अगर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही है उसी कंडीशन में हमारा समुच्चय समुच्चय होता है वो समूह होता है। और एक विशेष आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम समूह को चेक करें तो हमें दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है, एक तो वो समुच्चय और एक उस समुच्चय में परिभाषित हमारी संक्रिया। आज हम इस वीडियो में सिर्फ इन पांच क्वेश्चनों को ही देखेंगे, हम अपनी अगली वीडियो में जो इसके बाकी के पांच क्वेश्चन बच गए उनको हम उस वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।